पापा की परियां 1, 2, 3, 4 जैसा धान कूटने वाला होता है ना वैसा लगाया है। चुड़ैल जो चुड़ैल से कम नहीं है क्योंकि चुड़ैल का बाप है। अरे गुजरे ले नजरी से जो फुरते गुजरिया धड़क के लड़। A few moments later. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज कहाँ आ गया यार ब्लॉगिंग, आज का कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज का ब्लॉगिंग कुछ ऐसी जगह जाके करूँ जहाँ का लोकेशन कुछ अच्छा हो, पब्लिक का जो रिएक्शन होता है वो साथ में ज़रूर दिखाएंगे और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा पब्लिक रिएक्शन देखकर। अगर पब्लिक रिएक्शन देखकर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो यहाँ का लोकेशन पहले देख लीजिए, जहाँ का मैं लोकेशन बना रहा हूँ वो छोटी प्लेयर का है, रेलवे स्टेशन से थोड़ा हटकर है, ये वो सीढ़ी है और यहीं से नीचे जाते हैं लोग। और मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। ऊपर आकर यहाँ पे लोग बस पकड़ते हैं तो काफी अच्छा लगेगा। और वीडियो का शेयर कर दीजिएगा दबा के हो सकता है। और नीचे काफी भीड़ भाड़ चलता है, ऊपर भी आते जाते रहते हैं लोग। और पब्लिक का जो रिएक्शन होता है, चलिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ और वीडियो को चलिए मैं शुरू भी करता हूँ। गाइस, हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग बहुत, इसी में मजा कर रहा है देखिए। हाँ देखिए, ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं, बहुत मिलेंगे। एक आदमी का कितना भैया? 10 रुपया। गाइस अभी आए कुंदन पार्क, तो आप लोग भी देख लीजिए कुंदन पार्क का नज़ारा और बताइए कि कैसा रहा ये हमारा हाथी। गाइस इसे देख के आप लोग पता लगाइए कि कौन है। तब तक मैं चलता हूँ दूसरे की ओर। गाइस यहाँ का लोकेशन देख के बताइए कि कैसा है और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सीधा नहीं, मैं उल्टा जा रहा हूँ। झूला झूलने के लिए लोग, बच्चे लोग बैठे हैं यहाँ पे, पापा के परियां लोग मजे ले रहे हैं झूले। गाइस आप लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि कुछ अच्छा दिखाओ जिसमें मेरा लोकेशन काफी अच्छा जाए। तो अच्छा दिखाने के लिए अभी धूप बहुत है, क्या दिखाए इसके अंदर अच्छा, जो अच्छा होगा दिख ही जाएगा आप लोगों को। तो बस इंतजार कीजिए और अच्छा देखने के लिए हो तो 10 रुपये का टिकट कटाइए और आप लोग यहाँ पे आ। आइए और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ लोग हो जो बस वीडियो को केवल देखते हैं, लाइक शेयर कुछ भी नहीं करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दबा के शेयर कीजिए। कुछ यहाँ पे जितना भीड़ नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि भीड़ हो, और भीड़ तभी होगा जब यहाँ पे मेला लगेगा। आखिर यहाँ पे मेला वाला कुछ भी नहीं लगा है, बच्चों के लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे पृथ्वी चौहान राज जैसा तो है नहीं, फिर भी बच्चों वाला स्थान दिखाते हैं आप लोगों को। भैया इधर बैठे हैं जो पबजी चला रहे हैं, और एक बेचारी पापा की परी देखिए वहाँ पे मजे से झूला झूल रहे हैं। और ये साइड में रहा छोटा बच्चों का नजारा, वाह वाह वा, क्या स्टाइल है। और इधर पापा की परियां लोग जो बैठ के, मतलब कुछ लोग हंसी भी आ जा रहा, पर क्या करे दिखाना पड़ रहा है। थोड़ा साइड हो जाओ आप लोग। और ये रहा छोटे छोटे बच्चों का, मतलब क्या समझे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, पर जैसा धान कूटने वाला होता है ना वैसा लगाया है। और ये रहा बेचारा, आप लोग खुद ही देख के मजे लीजिए क्या है ये, हमें पता नहीं है, कुछ खास नहीं है। फिर भी जो भी कुछ है बहुत कुछ है। तो चलिए कुंदन पार्क लास्ट हो चुका है
और लास्ट होते होते कुछ और अच्छा सा नज़ारा है जो सामने ही पड़ता, मैंने सामने का लोकेशन दिखाया नहीं था। फिलहाल चलिए मैं वो भी दिखाने का कोशिश करता हूँ जो हाथी महाराज जी खड़े हैं यहाँ पर। तो आइए इस हाथी से थोड़ा बात करते हैं, देखते हैं अगर बात करता है तो ठीक है। भाड़ में जाएं लोग और लोगों की बातें, हम तो ऐसे ही जिएंगे। ये रहा वो एलिफेंट, ना ही पत्थर का बना है ना ही तो मिट्टी का बना है, आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि आखिर ये बना है तो किस चीज का। और उसके अंदर में भी काफी अच्छा है। चलिए मैं कैमरा बैक करके, कैमरा बैक हो चुका है और आप लोग खुद ही देख लीजिए एलिफेंट और इधर सामने क्या क्या लोकेशन लगा है। और ये सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, कौन है हमें पता नहीं है। और सामने एंट्री गेट, ये रहा एंट्री करने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन, वहाँ पे टिकट काटने के लिए भैया बैठे हैं। तो भैया जी से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर टिकट का रेट कितना है। यहाँ पे सामने का मॉडलिंग भैया आप अपना नाम बताइए एक बार। ब्लॉगिंग बना रहे हैं ऐसा ही अरे टिकट कितना लेता है ये बताइए यार। ₹10 पर हेड ना, तो भैया ₹10 एक आदमी के ऊपर लेते हैं। जिसको अगर इच्छा हो तो आगे आनंद उठा सकते हैं कुंदन पार्क का। फिलहाल स्वीट स्वीट चेहरा पे तो हर क्यूट क्यूट स्माइल। चलिए ब्लॉगिंग को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए लास्ट तक बने रहिए, हम दिखाते हैं। और पर्दा जरा पर्दा हटा दे मुखड़ा, लग चुका है जाते जाते, कोई बात नहीं। गाइस हमारा जोड़ी कैसा है इसके साथ जरूर बताइए। उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले, बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मुझे तो काफी अच्छा नहीं दिख रहा है। शायद ये वाला मैच कर रहा है हमारे साथ, आप लोग बताइएगा कि मैच कौन कर रहा है। इन चार परियां हैं, देखो इस कगार से लड़की है के हूर है। पापा की परियां 1, 2, 3, 4, तो चार में कौन सा बेस्ट है हमारे लिए पसंद कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और जल्दी बताइए कि हमारे लाइक कौन सी है पापा की परियां। क्या बोला तूने? जो अच्छा लगे उनके साथ सेटलमेंट करवाइए हमारा जल्दी, क्योंकि दिल बहुत उछल रहा है। गैस बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो भाई साहब हैं ये इसके पास में हाथ जोड़ के कब से देख रहा हूँ खड़ा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जब हाथ जोड़ के इसके सामने अगर खड़ा है तो अभी तक कुछ ना कुछ तो जरूर मांगा होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलिए हम इससे पूछते हैं कि आखिर इतना देर से मैं कब से देख रहा हूँ, आधा एक घंटा से ऐसी तरह हाथ जोड़ के खड़ा है और इसे कुछ मांग रहा है। आखिर ये मांग क्या रहा है, अगर वरदान मांग रहा है तो अभी तक क्या ऐसा ही हाथ जोड़ के खड़ा है। चलिए मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या मांगा अभी तक। हेलो भैया, अभी तक क्या मांगे इस देवी से, आखिर ये देवी का नाम क्या है। गाइस हमको भी पता नहीं है, लेकिन हम इससे पूछना चाहते हैं कि आखिर ये अभी तक मांग क्या रहा है इतने देर से। जो भी कुछ मांगे हो जल्दी बता दो, नहीं तो कान में खुजली करूंगा। ये देख डंडा भी लेकर आया हूँ मैं साथ में, तो जल्दी बताओ कि आखिर इतना देर से इससे मांगे हो क्या। इसका कान भी नहीं दिख रहा, नहीं तो कान में से खुजवा देते और पूछते कि अगर अभी तक क्या मांगा। मुझे लग रहा है कि ये इससे नाराज है और कुछ मिला नहीं, तो चलिए मैं बदान में यही दे देता हूँ, अब खुश रहो और घर जाओ दोनों लोग। ये रहा हाथी का बच्चा यार, ये कूड़ेदान लेके फंस चुका है। लग रहा है कि कूड़ेदान में कुछ खाने के लिए आया था, अभी केला का छिलका जो मुंह नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कचरे का डब्बा लेके पड़ा है हाथी महाराज का बच्चा। गाइस एक महापुरुष और मिल गया, देखिए ये भी वरदान मांग रहा है लेकिन कब से ये भी नहीं दे रहा है। तो चलिए भगवान तो देने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं ये दे देता हूँ वरदान में, ये लो भैया आम का पत्ता और खुश रहो। वो भी नसीब में नहीं है जो गिर जा रहा है, ये पकड़ो और निकलो घर, कब से देख रहा हूँ मांगे जा रहा आम का पत्ता लो और जाओ घर।
गाइस आप लोगों ने अभी तक चुड़ैल नहीं देखा होगा ना, तो आइए मैं आप लोगों को एक ऐसा चुड़ैल दिखाता हूँ जो रियली में चुड़ैल जैसा लग रहा है। देखिए ये बहुत बड़ा चुड़ैल, जो चुड़ैल से कम नहीं है फिर भी चुड़ैल का बाप है, और ये उसके लपेट के रखा है, पता नहीं कब तक छोड़ेगा उस चुड़ैल को। आप लोग डिसाइड कीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। गाइस कुंदन पार्क से बाहर निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मैं सोचा अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और कल का ब्लॉग कैसा होगा हमें भी पता नहीं, पर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं चलता हूँ ऑर्डर पकड़ के अपने घर, और आपका ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।